हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस क्रिएटिव आरडी। तो आज हम लोग इस साइकिल में फ्यूल टैंक माउंट करने वाले हैं। तो ये है वो फ्यूल टैंक जिसको हम लोग माउंट करने वाले हैं। ये है TVS मैक्स 100 का, इसमें 2T ऑयल पड़ता है ताकि इंजन सीज ना हो उसके लिए। तो ये है, उसी का मैं लेके आया हूँ, तो इसको इसमें माउंट करेंगे। बाकी इसका कैप थोड़ा सा डैमेज था, वो मैंने जोड़ दिया अच्छे से परफेक्टली। इसको इस पर देखते हैं, रखते हैं कैसे क्या माउंट करना है। तो ऐसा करके इसको माउंट करना है, तो इसके लिए हमें पत्तियां काटनी पड़ेंगी। तो फटाफट से पत्तियां काटते हैं और फिर इसको माउंट करते हैं। यहाँ तो ये बनने वाला है। इसको बांधने के लिए हमें पत्ती यूज़ करनी है मदद का, तो फटाफट से इनको काट लेते हैं। पत्तियाँ तो काट ली है, सही भी कर लिए, सब कर लिए। और इसमें छेद मारने पड़ेंगे, जो स्टील की मदद से छेद मारेंगे। तो फटाफट छेद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। पत्तियों को टेढ़ा कर लिया और छेद ही मार लिया है, तो इनको पहले माउंट करेंगे। ऐसे करके होल्ड करके नट बोल्ट की मदद से चले माउंट करते हैं इसको। यहाँ पर पत्ती ही तो माउंट कर दी है, अब इस फ्यूल टैंक को माउंट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे फ्यूल टैंक तो बढ़िया से लग गया है। इसका कैप खोलने में फंस नहीं रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही से। और ये फ्यूल इंडिकेटर है जो ऑयल बताएगा कितना हमारा बचा है कितना नहीं है, तो ये बेटर है।
का जो बैक वाला स्पॉकेट है वो बाइक का मैंने लगाया था, पैशन प्रो का, और ये चक्का इसी का है, मोपेड का ही, इंजन का। इसकी क्लच प्लेट पे वीडियो आने वाली है, इसकी देख रहे जो क्लच प्लेट, जैसे कि ये देखिए जो क्लच प्लेट है काफ़ी ज़्यादा कट गई है, तो इस पर वीडियो नहीं आएगी, तो इसकी क्लच प्लेट चेंज करेंगे। बाकी बेल्ट भी ठीक ठाक है। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नई वीडियो ऐसे मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्लच प्लेट चेंज करते हुए। तब तक चलते हैं, थैंक यू।